नमस्कार। सामुदायिक शास्त्र कहता है कि व्यक्ति की शारीरिक बनावट न सिर्फ उसके चरित्र को उजागर करती है बल्कि उसके आने वाले कल को भी दर्शाती है। ऐसे में आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि शरीर के किन भागों पर मौजूद काला तिल क्या सच में किस्मत के दरवाजे खोलता है। बता रहे कुंडली विशेषज्ञ पंडित विशाल शुक्ला जी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूँ मैं आप सभी के बीच में। आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान और मैं हूँ आपके साथ विशाल शुक्ल। तिल, इस धरा पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके शरीर पर तिल ना पाए जाते हो। शरीर के अलग अलग अंगों में तिलों का विशेष महत्व बताया गया है। प्रिय दर्शकों, ईश्वर ने हमारा भविष्य कण कण में लिखा हुआ है। इसको समझने के तरीके अलग अलग जरूर हो सकते हैं लेकिन कण कण में हमारा भविष्य है। कुछ लोग इसको ज्योतिष के माध्यम से समझते हैं, जन्म कुंडली अध्ययन के माध्यम से समझते हैं, कुछ लोग हस्तरेखा के माध्यम से समझते हैं, कुछ लोग लक्षण विज्ञान के आधार पर सामुद्रिक शास्त्र के आधार पर समझते हैं। आज हम आपको तिलों की दुनिया में ले जा रहे हैं, तिलों की दुनिया के बारे में बता रहे हैं कि आखिर तिल होते क्या हैं और इनका महत्व क्या है। प्रिय दर्शकों, ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि जब व्यक्ति का देहांत होता है उस समय पे उसको तिलांजलि दी जाती है, हाथ में तिल लेकर के और गंगा जल में छोड़े जाते हैं। तो परिवार जितना बड़ा होगा तिलांजलि उतने ज़्यादा लोग देंगे, उतने ही तिल उसके शरीर में पाए भी जाते हैं, ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है। और जब इस उस आत्मा का दूसरा जन्म जब होता है, जब वो दूसरा शरीर धारण करती है तो वही तिल उसको प्राप्त होते हैं। अब जो आपके कर्म हैं, जो आपने पूर्व जन्म में कर्म किए उसके आधार पर तिलों का स्थान बताया गया। प्रिय दर्शकों, यकीन जानिए ये तिल कोई सामान्य चीज नहीं है, कोई सामान्य निशान नहीं है। ये आपके लक्षण, आपके स्वभाव के बारे में, आप कितने समृद्ध होंगे इसके बारे में, आपका दुर्भाग्य आपका साथ देगा या सौभाग्य साथ देगा इसके बारे में ये स्पष्ट रूप से बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चेहरे पे तिल की। कई लोगों के आपने देखा होगा ललाट पर, मस्तक पर तिल होता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, दाईं तरफ भी हो सकता है बाईं तरफ भी हो सकता है, मस्तक पर तिल होता है। इसका क्या मतलब है? प्रिय दर्शकों, मस्तक पे जो तिल होता है ऐसा व्यक्ति अपने शुरुआती जीवन काल में बेहद संघर्ष करता है, बेहद जी तोड़ संघर्ष करता है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए उसको संघर्ष का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक समय के बाद जीवन के उत्तरार्ध में, मतलब 39-40 वर्ष के आसपास आते आते धीमे धीमे करके वो अपार धन अर्जित करता है और जितना संघर्ष शुरुआती समय में उसने झेला है उतना ही वो सुख प्राप्त करता है। गालों पे अगर तिल हो, दाएं या बाएं गाल पे अगर तिल हो तो ऐसा व्यक्ति बेहद आकर्षक होता है। ऐसे व्यक्तियों से जब आप मिलेंगे तो आप अनायास उनकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे, एक खिंचाव, एक आकर्षण उनके चेहरे पे विद्यमान होगा। आप नोटिस करके देखिए इस चीज को। कई लोगों को आपने देखा होगा नाक में तिल होता है, दाएं भी हो सकता है बाएं भी हो सकता है, या पॉइंट पे, टॉप पे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, नाक पे तिल होता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बेहद अनुशासित तरीके से रहते हैं, उनको हर चीज बिल्कुल फिक्स, बिल्कुल टाइम टू टाइम चाहिए होती है। लेकिन यकीन जानिए ऐसे व्यक्ति अपार अपार संघर्ष झेलते हैं, अपार संघर्ष, बहुत संघर्ष झेलते हैं ऐसे लोग। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा उनके नाक के नीचे तिल होता है, अपर लिप्स के ऊपर और नाक के नीचे यहां पे तिल होता है। ऐसे व्यक्ति के चाहने वाले बहुत होंगे, बहुत चाहने वाले होंगे। हालांकि ये बात एक अलग है कि वो सबसे नहीं फ्रेंडली होगा, वो सबको नहीं चाहेगा, वो जिसका जहां पे उसका मन रमेगा बस वहीं हो जाएगा। उसके चाहने वाले खूब होंगे, उसकी फैन फॉलोइंग बहुत होगी, बहुत अच्छे से होगी, लेकिन उसके अंदर ये चीज़ नहीं होगी, उसके लिमिटेड गिने चुने ही लोग मिलने वाले होंगे। कई लोगों को आपने देखा होगा होंठों पे तिल होता है, अपर लिप्स पे भी हो सकता है, डाउन लिप्स पे भी हो सकता है, होंठों पे तिल होता है। ऐसे लोगों को रोज प्रेम होता है, रोज, आज इसके साथ कल उसके साथ परसों उसके साथ, रोज प्रेम होता है। ऐसा आप देख आजमा लीजिएगा, आप देखिएगा अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके होंठों पे तिल है या आप
किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसके होंठों पर तिल है, तो आप इसके अंदर ये चीज को नोटिस करिएगा, ऐसा होगा 110% होगा, अक्षरशा घटित होगा। आजमा के देखिए, बहुत प्रेम होगा और इसी वजह से उसको धोखे भी बहुत मिलेंगे। चिन्ह होती है ना, चिन्ह, ये हिस्सा जो होता है यहाँ पर, अगर तिल है इतने हिस्से में, तो ऐसे व्यक्ति को चोट चपेट बहुत लगती है। सब्जी काट रहे हैं, चाकू लग गई, खाना बना रहे हैं, जल गए, गंभीर नहीं लेकिन हाँ चोट चपेट लगा करती है। कहीं जा रहे हैं, पैर में ठोकर लग गई, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। ऐसा देखा, देखने में आता है, ऐसा देखा गया है। प्रिय दर्शकों, आपने एक चीज बहुत सुनी होगी, अपने घर के बूढ़े बुजुर्गों से सुनी होगी, समाज में कई लोगों से सुनी होगी, कि अगर हाथ में तिल है तो ऐसा व्यक्ति बहुत धनवान होगा, खूब संपन्न होगा। देखिए, इसको समझिए कि हाथ में तिल कहाँ होना चाहिए और धनवान बनता कैसे। हथेली के बीचों बीच अगर तिल है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे, यहाँ पे हथेली के बीचों बीच जो पॉइंट है ना, ये पुश कर रहा हूँ मैं, इस जगह पे अगर तिल है, और जैसे आप मुट्ठी बंद करेंगे तो ये अंदर चला जाएगा, देखिए क्या ऐसे करेंगे, और यहाँ पे अगर तिल है और जब मुट्ठी बंद करेंगे तो अंदर जाएगा, अगर ये स्थिति है तो आप विशेष धनवान होंगे, विशेष भाग्यवान होंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, अकाट सत्य। लेकिन अगर इन पर्वतों पर तिल आ गया, या इन उंगलियों पे कहीं आगे पीछे तिल आ गया, कहीं पे भी आ गया, अंगूठे पे आ गया, पर्वतों पे अगर कहीं तिल आ गया, तो यकीन जानिए आपको जीवन पर्यंत दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। जीवन पर्यंत आपको जिस पर्वत पे तिल है या जिस उंगली पे तिल है, उससे संबंधित ग्रह से बाधा झेलने को आएगी। ये है हथेली पे तिल का सही प्रमाण। कई लोग कहते हैं प्रिय दर्शकों कि पैरों में तिल होता है, बिल्कुल होता है, पैरों के तलवों पर होता है, पैरों के ऊपर होता है, फुट पे, पंजे पे होता है। अगर पैरों पे तिल है, पंजों पे तिल है, तो यकीन जानिए ऐसे व्यक्ति को अपने जन्म स्थान को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, वो विदेश चला जाए, या कम से कम विदेश ना भी जा पाए तो अपने घर से दूर जाके अगर काम करे, नौकरी करे, व्यापार करे, वो विशेष धनवान होगा, विशेष सफलता उसको निश्चित रूप से अर्जित होती हुई दिखाई देगी। अगर आपके साथ ऐसा है तो आज के आज आप अपने जन्म स्थान से दूर जाकर प्रयास करें नौकरी या व्यापार करने का, आप यकीन जानिए एक साल में आप परिवर्तन आपके सामने आ जाएगा, करके देखिए अगर हो तो। तीसरा है प्रिय दर्शकों, छाती पर तिल। कई लोगों की छाती पर तिल होता है, बीचों बीच यहाँ पे, जिसके छाती पर तिल होता है ना, ऐसा व्यक्ति पराक्रमी और पुरुषार्थी तो बहुत होता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक बाधाओं का सामना जीवन पर्यंत करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को परिवार की वजह से ही कदम कदम पर संघर्ष देखना पड़ता है, और उसके पतन का कारण कई बार उसके परिवार के लोग ही बन जाते हैं। पीठ पर तिल, पीठ पे, बैक साइड पे, पीठ पर तिल होता है। पीठ पर प्रिय दर्शकों जिसके तिल होता है ना, ऐसे व्यक्ति को धोखा बहुत मिलता है, बहुत धोखा मिलता है, और धोखा मिलता किससे, किसी और से नहीं, अपनों से धोखा मिलता है। जिसको आप सबसे ज़्यादा अपना मानते वही आपको धोखा देते। पीठ पे तिल का रिजल्ट आएगा, देख लीजिएगा, आपका मित्र हो सकता है, आपका जीवन साथी हो सकता है, मतलब कोई भी हो सकता है। पेट पर भी तिल होता है, नाभि के आसपास या दाएं बाएं पेट पर भी तिल होता है। ऐसा व्यक्ति बेहद धनवान, नीतिवान, ज्ञानवान होता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जीवन पर्यंत किसी ना किसी बीमारी से जूझता ही रहता है। अब सब कुछ है तो स्वास्थ्य खराब, खाई भी नहीं सकते आप, ऐसा देखने में आता है। प्रिय दर्शकों, सामुद्रिक शास्त्र के विषय में आपके सामने एक से एक रोचक तथ्य लेकर के आएंगे, जिसको आप आजमा करके अपने जीवन में आसानी से अपने भविष्य को जान सकते हैं। अगली चर्चा आपके सामने करेंगे लाल तिलों के ऊपर, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको देखिएगा जरूर। लाल तिल को होता नहीं जल्दी किसी के, लेकिन जिसके होता है उसके साथ क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।